Hi, my besties. Welcome or welcome back. I am Lavi and this is my channel, That Girl In Now. So as the video title suggests, in this video, I'm gonna share 3 tips to delay your aging process. So let's quickly dig into the video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजिंग ऑफ स्किन होता क्या है. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे स्किन पे फाइन लाइंस, हमारे स्किन पे रिंकल्स, यू नो, डार्क स्पॉट, हाइपरपिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये एक नॉर्मल चीज़ है. ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए हो रहा है. ये एक नॉर्मल चीज़ है. जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे ही आपकी स्किन की एज बढ़ेगी तो आपकी स्किन पर ये वाली प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं. तो आप इनको बिल्कुल तो स्टॉप नहीं कर सकते, बट आप इनको डिले कर सकते हैं. तो मतलब आप अगर अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी स्किन को जो चीज़ें उसको चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है. तो इसके लिए आपको अपनी स्किन की काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. और आफ्टर 25 तो मतलब मस्ट है कि आप अपनी स्किन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि उसी के बाद जो ये एजिंग प्रोसेस होता है आपकी स्किन का स्टार्ट हो जाता है. तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपको 3 टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अपने पर्सनली अपने स्किन केयर रूटीन में जो है फॉलो करती हूँ. एंड आई एम श्योर कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में ये 3 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको अपने स्किन में जो है इंस्टेंट चेंजेस देखने के लिए मिलेगा. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की. ऑलवेज यूज एन एंटी एजिंग सीरम इन योर स्किन केयर रूटीन. अगर आप 25+ हैं तो इट्स अ मस्ट थिंग कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में एक एंटी एजिंग सीरम इस्तेमाल करें. तो जो मैं अपने स्किन केयर रूटीन में जो एंटी एजिंग सीरम यूज करती हूँ तो वो है ये सेजन का एंटी एजिंग सीरम. तो इस सीरम के अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट है, लाइक इसके अंदर रेटिनॉल है, हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अंदर नियासिनामाइड है और इसके अंदर विटामिन सी है. तो मतलब ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है. इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे मस्ट हैव इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, मतलब जो मस्ट आपके स्किन केयर में ज़रूर होने चाहिए वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं. तो सीरम में मतलब जो एंटी एजिंग सीरम होता है उसके अंदर रेटिनॉल तो मस्ट है, ठीक है. तो अब हमारी स्किन में हम जो है क्या करते हैं, अपनी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है अदर सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक हाइलुरोनिक एसिड हम यूज़ करते हैं फॉर ड्राई स्किन टाइप लोग, और जिनकी स्किन पे डार्क स्पॉट हाइपरपिगमेंटेशन होता है वो कुछ विटामिन सी यूज़ करते हैं, कुछ नियासिनामाइड यूज़ करते हैं. तो अब क्या हो जाता है, हमारी स्किन में ना मतलब बहुत सारे लेयर्स हो जाते हैं, यानी ऐसा हो जाता है कि यार इतने सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं कि हम ना बहुत ज़्यादा आलस भी करने लगते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे ना उतना दिमाग खराब होता है और उतना ना हम अवॉइड करते हैं अपने स्किन केयर को प्रॉपरली फॉलो करना. तो इसलिए आई यूज़ दिस सेटन सीरम, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं अपने स्किन केयर में यूज़ करना चाहती हूँ. इसके अंदर रेटिनॉल है, रेटिनॉल तो भाई मस्ट हैव है एंटी एजिंग के लिए. इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो कि जो मेरी स्किन को जो है मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो हाइड्रेशन लेवल होता है आपकी स्किन में वो भी कम होता रहता है. इसके अंदर नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, तो डार्क स्पॉट हाइपरपिगमेंटेशन सबके लिए ये काफ़ी अमेजिंग है. तो ये जो है मेरा पर्सनल फेवरेट सीरम है. तो इस आपको कुछ ये इस टाइप के पैकेजिंग में मिल जाएगा. सारी डिटेल्स आपकी को इस सीरम से रिगार्डिंग इसके पैक में मिलेंगी. हाउ टू अप्लाई दिस सीरम और इसके अंदर क्या क्या है, वो आपको कैसे हेल्प करता है, कैसे हेल्प नहीं करता है, सारी चीज़ें आपको इसको कैसे रखना है, और जो मतलब इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा और भी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे आपको इसके पैक में मिल जाएंगे. और ये आपको 2 की शेल्फ लाइफ के साथ मिलेगा. और इस प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, ये आपको 799 का मिल जाएगा. तो मुझे ये पर्सनली जो है सीरम काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इनर पैकेजिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा क्यूट है, जैसे एक ड्रॉपर के साथ मिलता है, तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इसकी ईजी हो जाती है. इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है और मतलब जैसे वाटरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, एक मीडियम कंसिस्टेंसी की है. तो बहुत ही अच्छे से ही आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको जो है रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे से जो है शो करता है. तो आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हो जाते हैं उनको ये डिमिनिश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. आपकी स्किन में जो है कोलाजन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस रिंकल्स होते हैं वो कम होते हैं. भी स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकता है. एंड आप अगर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कभी भी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करें हमेशा एक पैच टेस्ट करें, चाहे आप वो मेरी रिकमेंडेशन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं से भी आप मतलब आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप उसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो भी आप उसको पैच टेस्ट ज़रूर करें. तो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर समथिंग कि हाँ मतलब अभी तक आप रेटिनॉल यूज नहीं करते हैं, अभी तक आप कोई भी एंटी एजिंग सीरम यूज नहीं करते हैं, तो आप आंख बंद करके इसको खरीद सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज गोना लव द रिजल्ट ऑफ दिस सीरम. सो नाउ मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 2, यूज जेड रोलर्स. तो जब भी आप अपने स्किन पे जो है यू नो सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्राई टू अप्लाई द सीरम विद योर जेड रोलर्स. तो इस रोलर को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ.
सो आपने देख ही लिया है रोलर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है. तो आप जब इसको अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन में बहुत ज़्यादा आपको एक तो कामनेस का फील होगा, आपके स्किन को ये जो है स्मूथ बनाता है, और आपके जो प्रोडक्ट होते हैं जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ, तो आप जब इस सीरम को यूज़ करके अपना जेड रोलर से उसको अप्लाई करेंगे तो ये इसको एक सरचार्ज कर देता है, यानी एक इसको वार्म कर देता है. तो जब कोई भी, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो ना क्या करते हैं अपनी क्रीम्स वगैरह या अपने सीरम्स को पहले हाथ पे जो है उनको चार्ज करते हैं एंड देन अपने स्किन पे जो है अप्लाई करते हैं, तो उससे आपका प्रोडक्ट वार्म अप हो जाता है और आपकी स्किन में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्व होता है, और जो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके स्किन में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्व होती हैं. तो आप जब भी अपना सीरम अप्लाई कर रहे हैं, ऑलवेज यूज जेड रोलर्स थ्रू एब्जॉर्व द सीरम इन योर स्किन, और ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा काम फील होगा और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगी. नाउ टिप नंबर 3, सो ऑलवेज मसाज योर फेस वंस इन अ वीक. हमें, मुझे पता है कि आप हर हफ्ते जो है पार्लर नहीं जा सकते टू गेट दैट मसाज, तो उसके लिए मैं भी नहीं जा सकती क्योंकि यार मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर वीक जो है सैलून जाऊँ टू गेट द फेस मसाज. तो उसके लिए आई यूज़ द गुआशा टूल. तो पहले मैं आपको जो है 3 ways या 3 to 4 ways बता देती हूँ कि आप इसको कैसे अपने फेस पे इस्तेमाल करें. तो पहले आप देख लीजिए कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है. फेस पे जो है सीरम ये अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप अपने गुआशा टूल को यूज़ कर लीजिए. हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना है, सिर्फ 10 minutes के लिए, 5 to 10 minutes का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. लाइक जो आपके स्किन में जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स होती हैं उनको रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी. आपके स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये प्रॉपर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है और ज़्यादा ग्लोई और काफ़ी ज़्यादा यू नो यूथफुल और यंगर अपीयर होती है. आपकी स्किन में जो रेडनेस होती है, जो पफीनेस होती है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपके जो फेस होता है उसको एक नेचुरल लिफ्ट प्रोवाइड करता है. मतलब अब जब आपके जैसे सैगिंग होने लगती है, यानी लाइक जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी स्किन नीचे की तरफ जो है साग होने लगती है, तो वो झुर्रियाँ इसीलिए पड़ती हैं. तो जब आप इसको इस टाइप से अप्लाई करते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन आपके स्किन में अच्छा करता है, तो उससे क्या होता है, ये जो रिंकल्स, सैगिंग और ये जो फाइन लाइंस होती हैं, ये वाला जो प्रोसेस होता है स्लो डाउन हो जाता है. स्किन की टेंशन को रिमूव करने के साथ साथ आपको स्ट्रेस रिलीफ भी करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा काम भी करता है, एक नेचुरल लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, रिड्यूस मतलब आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को जो है डिटॉक्सिफाई कर देता है, इम्प्रूव करता है आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन. तो व्हाट एल्स यू नीड, एक छोटा सा टूल है, आपको सिर्फ 5 to 10 minutes देने हैं अपने स्किन को मसाज करने के लिए, और ट्रस्ट मी आपको जो है आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे. गाइज, ये थे मेरे 3 tips जिनको आप अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, और उनके बाद आपको जो है अपनी स्किन में काफ़ी हद तक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, तो आपका जो एजिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस सीरम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसका इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसका जो रिजल्ट है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. अब आप ये सोच रहे होंगे यार इतने सारे अलग अलग चीज़ें ना ये खरीदनी पड़ेंगी, अभी ये खरीदो कहाँ कहाँ से खरीदो. तो व्हाट इफ आई सेड कि आपको ये तीनों चीज़ जो है कॉम्बो में मिल जाएंगी, और आपको जो है डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट चीज़ें देखने में, मतलब आपको वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. तो आपको इनकी वेबसाइट पे, यानी इनका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो सेटन का इसका एक कॉम्बो आता है जिसमें कि आपको ये एंटी एजिंग सीरम, गुआशा एंड रोलर तीनों चीज़ें मिल रही हैं, एंड वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे. तो इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी. तो ये एक एंटी एजिंग किट है जो कि इनकी वेबसाइट पे है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार आप सीरम ले लेते हो तो आपके पास गुआशा नहीं होता, आपके पास रोलर नहीं होता, तो इन्होंने जो है अपनी एक किटी दी हुई है, तो आप उससे वहाँ से जाके इनको परचेस कर सकते. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते.